तो दोस्तों, इंडियन सिनेमा के रेबल स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सालार का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए इस फिल्म के शूटिंग शेड्यूल को लेकर और साथ ही में एक्शन को लेकर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार प्रभास के डायहार्ड फैंस हैं और उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक मच अवेटेड गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है सालार, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार प्रभास के साथ श्रुति हसन भी नजर आने वाली है। विलन के तौर पर दोस्तों इस फिल्म में कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर नजर आ सकता है, जिसकी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन दोस्तों उम्मीदें हैं कि इस फिल्म में विलन के तौर पर आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार जॉन अब्राहम नजर आ सकते हैं, या तो फिर दोस्तों इस फिल्म में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक बड़ा एक्टर विलन बन सकता है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस मॉन्स्टर ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज किया जाना है और इस फिल्म पर दोस्तों लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट शेड्यूल तो इस लॉकडाउन के पहले ही कंप्लीट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है वो भी खत्म हो चुका है और सुपरस्टार प्रभास ने इस फिल्म के कुछ मेजर एक्शन सीन्स और साथ ही में कुछ फाइट सीन्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि अब सुपरस्टार प्रभास आदि पुरुष मूवी की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो सालार का थर्ड शेड्यूल है वो अक्टूबर में या फिर नवंबर में शुरू होने वाला है। दोस्तों बता दें आपको कि सालार फिल्म में सुपरस्टार प्रभास के डबल रोल नजर आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों उनके दोनों ही कैरेक्टर्स काफी खतरनाक होने वाले हैं और इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास का अब तक का सबसे खतरनाक एक्शन देखने को मिलने वाला है। उनके दोस्तों अभी तक जितने भी फोटोज और पिक्चर्स लीक किए गए हैं उनमें उनके लुक्स काफी आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इसके एक्शन की, तो दोस्तों एक्शन के मामले में ये फिल्म KGF चैप्टर 2 से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसे कि होमबाले फिल्म्स प्रेजेंट करने वाला है। उम्मीद है तो दोस्तों यही है कि सालार फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस दिन रिलीज होगी उस दिन साहो और बाहुबली 2 के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। लेकिन अगर दोस्तों ये फिल्म बाहुबली से कम भी कमाई करती है तो भी दोस्तों ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स बना सकती है, क्योंकि दोस्तों बाहुबली का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो लगभग 218 करोड़ रुपए का था और अगर यहाँ पर सालार अपने पहले ही दिन 150 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करती है तो वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, सालार फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का कलेक्शन कितना होगा और क्या ये फिल्म लाइफ टाइम में बाहुबली या फिर 2.0 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।